पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के जेर इंतज़ाम हिंदू कम्युनिटी की इज्तमाही शादियों की तकरीब में शिरकत के लिए डॉक्टर रमेश कुमार की रिहाइश का डिफेंस कराची पहुंचे। सर सब हिंदू ज़ाहिर है यहाँ अकलियत में हैं, उनकी इज्तमाही शादियों का ख्याल क्यों आया? सोहेल साहब, मैं कम्युनिटी से, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, स्पेशली मेरा जो ख़ुद का जो ताल्लुक है वो थरपारकर से है, और थरपारकर के अंदर सबसे ज़्यादा गुर्बत है। जब मैं 2002 में पहली मरतबा पार्लियामेंट में आया, उस वक्त मैंने सोचा कि ये पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अवाम की नुमाइंदगी, अवाम के इश्यूज़ जो है असम्बली तक नहीं पहुंच सकते। 2005 में मैंने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का मैं फाउंडर बना, मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसी के लिए बनाई, और पहली मरतबा 2006 की एंड में मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि यहाँ पे इज्तमाही शादियों का प्रोग्राम मैं करूँ। कितनी करवा चुकी हैं शादियाँ आप तक? मैं 1000 करवा चुका हूँ, इस साल तकरीबन 1100 टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। और कितना खर्च आता है तकरीबन? एक जोड़े को तकरीबन हम 1,00,000 के करीब उनको हम सपोर्ट करते हैं। शादियों के अलावा भी अगर कोई भी बीमार हमारे पास कोई आता है उसके, क्योंकि अब यहाँ पे ज़कात हमारे लोगों को नहीं मिलती, तो मैं उनको, हमारी कम्युनिटी के अंदर उनका एक फेथ है मेरे ऊपर, मैं अगर कोई भी प्रोग्राम करता हूँ या कोई भी अगर कहूँ कि ये मुझे प्रोग्राम करना है, तो ये 8-10 बंदों को उनको बोलता हूँ कि यार ये नेक काम है, तो ऐसे लोग मेरे कहने के ऊपर पैसे दे देते हैं। जब यहाँ पे डिफेंस के अंदर जहाँ पे हम खड़े हैं, ऐसे ही आगे हमें डिफेंस ने प्लाट दिया था मंदिर बनाने के लिए, तो मैंने लोगों को कहा कि ये मंदिर मुझे बनाना है, यहाँ पे हम बैठे थे, 4-5 करोड़ पे 5 मिनट में मुझे मिल गया। मंदिर बन रहा है अब? अलाटमेंट लेटर तो है मेरे पास मंदिर का, मगर अभी तक वो मिला नहीं है, प्लाट की पोजीशन नहीं मिली है, मगर वैसे ये जो है वो हमारे पास है, हमें अलाट हो चुका है। तैयार होकर घर से रवाना हुए। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के दफ्तर आए। हिंदू काउंसिल के सदर गोपाल दास और दीगर मेंबरान ने इस्तकबाल किया। हिंदू काउंसिल का थोड़ा सा तारफ कराएं, कितना बजट है, कितने लोग हैं, कितने इसके मेंबर हैं? अभी 6 महीने पहले मई में इलेक्शन हुई थी, जिसमें मुझे सदर इलेक्ट किया गया, जिसमें 5 बैरट्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, और उसके 10 MC मेंबर हैं, 5 उसमें एडवाइज़र हैं, 8 उसमें ऑब्जर्वर हैं, और टोटल हमारे 2000 पूरे पाकिस्तान से मेंबर्स हैं। बड़े बड़े मसाइल क्या हैं? जो हमारे पास मेन इशू आता है ना, वो आता है फोर्स कन्वर्जन का। वहाँ इशू ये आता है कि बच्ची को 12-13 साल की उम्र में उठाया जाता है, और उसको पता नहीं क्या जहन उसका तब्दील करके उसको डाइवर्ट किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। मज़हबी आज़ादी सबको है, जिसको अगर कोई अपना धर्म छोड़ना है या धर्म कबूल करना है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आमतौर पर 18 साल की शादी होती है, जो मैच्योर एज है, लेकिन इमेच्योर आदमी, इमेच्योर लड़की सिर्फ, उसको मज़हब तब्दील कराना ज़बरदस्ती और 13-12 साल में शादी कराना, ये बड़ी ज़्यादती होती है इधर। इसका इलाज क्या है? गवर्नमेंट में पहले हिंदू मैरिज एक्ट डॉक्टर रमेश की कोशिश से और दूसरे लोगों की कोशिश से वो बिल आया, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो उससे ये होगा कि कुछ कमी ज़रूर आएगी इसमें। और मेन इशू पता है क्या है? मेन सिंध गवर्नमेंट 18 अपना जो बिल जो पास किया था कि 18 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची शादी नहीं कर सकता,
पाकिस्तान के अंदर कानून बनते हैं मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। अब सिंध के इश्यूज़ जो हाईलाइट इस वजह से ज़्यादा होते हैं कि सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा रहती है और ये इशू भी इमेच्योर बच्चों की शादी का इधर है। तो जो इमेच्योर बच्चों अगर 18 साल उम्र वाली अगर जो क्लास है उसके ऊपर भी अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ना तो इसके ऊपर कमी आ सकती है। एक जो दूसरा नुकता है नज़र वो है ये है कि आमतौर पर ये लव मैरिजेज होते हैं, लड़की खुद भाग जाती है, बिल्कुल है, और वो फिर उसके लिए रास्ता यही होता है चूंकि वालदैन इजाज़त नहीं दे रहे होते तो वो कन्वर्जन उसको सूट करती है क्योंकि दूसरा पार्टनर मुस्लिम होता है। देखें इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर कोई लव अफेयर होता है लेकिन उसकी एज लिमिट होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए कि हाँ मैं शादी कर रही हूँ, मेरी एज 18 साल है तो मैं मैच्योर हूँ तो वो कर सकती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन 12-13 साल का जो इशू है वो बड़ा मेन फोकस उस पर होना चाहिए। हम पहले पाकिस्तानी हैं, मज़हब हमारा प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, तो हम ये मज़हब को इतना नहीं कहते, हम कहते हम वी ऑल आर वन फैमिली, चाहे वो कोई भी हो, किस कम्युनिटी का हो, फर्स्ट वी आर पाकिस्तानी देन वी आर अदर। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से एक एम्बुलेंस भी डोनेट की गई। घर वापस आए, दुल्हन और उसके खानदान से दरवाजे पर मुलाकात की, दुल्हन को शादी के बंधन शुरू करने से पहले गणेश भगवान की चादर दी जाती है ताकि वो महफूज रहे, दूल्हा का खानदान भी वहीं आ गया, दूल्हा हिंदू रीत रिवाज के मुताबिक गले में जेवरात और हाथ में तलवार लिए तैयार खड़ा था। आपने देखा हुआ दूल्हा? नहीं, मोबाइल में फोटो तो देखी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। नहीं, तो क्या पता है इनके बारे में आपको? बस हमारे रिश्तेदारों ने, घर वालों ने उनकी मर्जी से पसंद करके शादी करवा रहे। नहीं तो आपने इनके बारे में पूछा तो होगा ना? जी भाभी, ये बस भाभी से थोड़ा बहुत पूछ ले। क्या पूछा था? कैसा है लड़का? कैसा है? अच्छा है, बस ये हो के जोड़ी हो, बस एक जैसे हो। आपने क्या पूछा था? बस कुछ नहीं पूछा, बस घर वालों की मर्जी से करे, अरेंज मैरिज है हमारी। फिर भी आपकी बेगम की क्या खूबियाँ हैं जो आपको बताई गई हैं? फैमिली अच्छी है, अच्छा परिवार है। आप क्या करते हैं? शॉप में काम करता हूँ। जॉइंट फैमिली में रहेंगे? जी। कौन, कितने भाई बहन भाई हैं? पहले 3 भाई है। सबकी शादियाँ हुई हैं? मुझसे बड़े भाई की शादी हो चुकी है, अब मुझसे एक छोटा भाई है, उसकी होनी बाकी है। अच्छा, आप एक ही घर में सबके साथ रह लेंगे? कोई बातचीत की थी कि अलग रहना है या नहीं? नहीं नहीं, इनकी फैमिली मेरी फैमिली, इनके माँ बाप मेरे माँ बाप। ये शुरू शुरू में तो सब कहते हैं, फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं ना? ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? इसे शिकायत ही नहीं देंगे। अच्छा, शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा, मिल बांट के रहेंगे। तो आप इनसे क्या तवक्को कर रहे हैं अपनी बेगम से? अच्छी उम्मीद रखते हैं। अच्छी उम्मीद रखते हैं। हाँ, बस माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए और घर का ख्याल करना चाहिए। औरत का तो काम ये है, मर्द का काम है कमाना दमाना, औरत का काम है घर को चलाना। नहीं तो इनको कभी बाहर लेके जाएंगे सिनेमा पे, कभी ग्राउंड पार्क के अंदर? तो घूमना फिरना सारे जिंदगी लगा रहता है, घूमना फिरना तो है जिंदगी का हिस्सा ही है। आपकी क्या ख्वाहिश है, आपके खावंद कहाँ आपको लेके जाएंगे? मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है, जैसे रखेंगे मैं वैसे ही रहूं। हनीमून पे जाना चाहेंगी कहीं? इनसे पूछे, मुझसे मत। आप कुछ बताएं जी, हनीमून पे लेके जाएंगे कहीं? हम कहाँ जा सकते, गरीब लोग है सर, हमारे अनुमान घरों में गुजरते, हम कहाँ जा सकते। बस
अच्छा। ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी जो ये काम करवा रहे हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, बहुत अच्छा काम कर रही है। यानी काफ़ी सौ सौ शादियाँ ये करवाते रहते हैं, बस इनसे हमें उम्मीद है कि हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर, जो भी काम करते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, हर बार अच्छे से अच्छा करते रहते हैं। अपनी बेगम को गौर से देखें, क्या चीज़ उनकी सबसे अच्छी लगती है? मैंने अभी तक देखा ही नहीं इनको। देखे ना दादा। क्या देखे? पहली दफ़ा देख लें, सारी ज़िंदगी देखना है। नहीं नहीं अभी देखें यार, ज़रा देखें तो सही, ज़रा देखें, ज़रा उधर देखें, क्या अच्छा लगा? फैमिली अच्छी है, परिवार अच्छा, सब सही है। चेहरे पे भी बताए ना क्या अच्छा, सही है, अच्छी है। नहीं आँखें अच्छी लगी, होंठ अच्छे लगे, तैयारी अच्छी लगी। इंसान अच्छा ही होता है, इंसान की आदतें अच्छी होनी चाहिए, सीरत अच्छी होनी चाहिए। सूरत से फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। आप क्या कहती हैं? सही है जो ये कह रहे हैं, सही है, अच्छे है। आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? इनकी अच्छाइयाँ अच्छी लगी। नहीं अभी चेहरा जो देखा तो क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, बताना नहीं क्या? बस सही इनकी है। नाक, इनकी नाक अच्छी लगी, आँखें अच्छी लगी, फेस लुक ही अच्छा लगा। फेस लुक अच्छा लगा, फेस लुक अच्छा लगा। आपको फेस लुक अच्छा लगा कि नहीं? जी बिल्कुल अच्छी है। इज्तमाई शादियों की मरकजी तकरीब रेलवे ग्राउंड कराची में मुनक्कद की गई। रवायती बैंड बाजे के साथ बारात ले जाई गई। तकरीबन 80 के करीब मंडप बनाए गए थे। हर मंडप पर शादी के लिए आने वाले जोड़े का नाम अलग-अलग से लिखा गया था। हर मंडप में चावल, नारियल, लकड़ी, जल और घी रखा गया था, जो शादी की रस्म के लिए जरूरी समझा जाता है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। वो दिलीप कुमार जो इंडिया वाला है उसको देख के रखा? जी हाँ, उसको ही देख के रखा। तो ये रुमाल क्यों पकड़ा हुआ है? रुमाल हमारा पुराना रिवाज है मुंह ढकने का। दिखाओ जरा कैसे। ऐसे दूल्हा ऐसे मुंह ढक के रखता है? जी हाँ। आपने दुल्हन को पहले देखा हुआ? जी हाँ देखा था। कहाँ? गाँव में। अच्छा, तो लव मैरिज है? जी हाँ। और फिर वालदैन ने भी कहा कि कर लो? जी हाँ, वालदैन ने भी बोला था। कहा आप बताइए आपका क्या नाम है? मारिया। मारिया? हाँ। ओ, कितने साल है उम्र तुम्हारी? 19 साल। और क्या पसंद है खाने में? ढारकोर। दाल? दाल पसंद। अच्छा, ये खाना खाना पका लेती है? जी हाँ पका लेती है। क्या क्या पकाती है? जी आलू बटेर पका लेती है, दाल पका लेती है, भिंडी पका लेती है। अच्छा, तो ये अपने वालदैन के साथ ही आप रहेंगे या इसको अलग घर में रखेंगे? नहीं, वालदा के साथ रहेंगे। वालदा के साथ रहेंगे, तो इसकी लड़ाई होगी फिर सास से?
लड़ाई कैसे होगी? सास से लड़ाई हो जाती है ना, सास से लड़ाई होगी तो क्या करोगी? नहीं बता। कितने बच्चे पैदा करोगे? जो खुदा की मर्जी। फिर भी बहुत ज्यादा बच्चे या थोड़े? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से करेंगे। थोड़े करेंगे। अच्छा, और उन पर स्कूल छोड़ेंगे? जी हाँ। कितना पढ़ाओगे? ऐसे जब तक हमारी हयाती रहेगी तब तक पढ़ाते ही रहेंगे। पढ़ाते ही रहेंगे। अच्छा, आप बताओ, आप घर वाले में क्या चीज पसंद आई है? बधाई पसंद है। क्या? दोनों पसंद है। आप मिलते रहे पहले चोरी चोरी? हैं, चोरी चोरी मिलते थे शादी से पहले? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिला। थोड़ा बहुत मिलते थे। ये क्या नाम है आपका? आरती। आरती, कितने साल की हैं? 21 साल की। 21 साल की। आपका क्या नाम है? मदन लाल। मदन लाल, कितने साल के? 32 साल के। 32 साल के? जी हाँ। आपस में फोन पे बात करते हैं? नहीं, कभी बात नहीं की? नहीं, कभी नहीं होती। मिले भी नहीं कभी? आज भी नहीं है। वो घर पे भी आते थे तो हम लोग घर से बाहर भी नहीं करते थे। अच्छा, छुप के? हाँ। आज देख लिया एक दूसरे को कि नहीं? हाँ देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो क्या आप शादी के बाद किधर जाएंगे? हनीमून मनाएंगे कि किसी दूसरे शहर जाने का? देखेंगे, फिर घर पे जाके सोचेंगे क्या प्रोग्राम बनता है। तो जॉइंट फैमिलीज में रहेंगे सास के साथ ही? हाँ, सबके साथ ही रहेंगे। नहीं, दिल तो चाहता होगा अलग घर हो, हर बहू का दिल चाहता? नहीं, हमारा दिल चाहता है हम लोग सबके साथ ही रहे, सब सही हो। मेहंदी भी लगाई हुई है भाई, बड़ी जबरदस्त मेहंदी है। आपने भी लगा रखी? हाँ। दिखाएं ना अपनी मेहंदी, दिखाएं। ओए ओए ओए, वेरी नाइस। आपने शादी के बाद क्या सोचा है, क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? बस माँ बाप के साथ रहेंगे। हनीमून पे कहीं लेके जाएंगे? बस दिल करा तो ले जाएंगे। क्या खास चीज है जो इनको खिलाएंगे आप? दावत अभी अभी तो हमारी डिसाइड नहीं हुई कि इनकी फेवरेट चीज का मुझे पता ही नहीं है क्या है। जब फेवरेट चीज का पता चले तो पूछ लेते हैं ना इनकी फेवरेट चीज क्या है। आपकी फेवरेट चीज क्या है? खाने में चिकन वाली बिरयानी ज्यादा पसंद। चिकन वाली बिरयानी पसंद? हाँ, तो जरूर खिलाऊंगा मैं। कहाँ लेके जाओगे? चिकन बिरयानी कहाँ से खिलाओगे? अपना स्टूडेंट बिरयानी ले जाऊंगा। कपड़े किस रंग के पहनती हैं आप, पसंद कौन सा रंग है? ब्राउन कलर के। ब्राउन कलर के? हाँ। आपको कौन सा रंग पसंद? मेरे को गुलाबी अच्छा लगता है सर। अच्छा, तो अब आप ब्राउन पहनेंगी कि गुलाबी? दोनों पहनूंगी, कभी कभार ब्राउन, कभी कभार गुलाबी। तो साहब, ये जोड़ा मीरपुर खास से आया है, हर साल मुख्तलिफ अप्लीकेशन आती हैं, फिर हम उनमें सेलेक्ट करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट को कुछ ना कुछ जोड़े मिलाए, क्योंकि हमारी एक हमने अभी तक 100 की लिमिट रखी हुई है कि 100 के अंदर ही करना है, तो बीच में कुछ ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं जिनको हम अकोमोडेट कर देते हैं। तो इस मरतबा भी जैसे 79 जोड़े हो रहे हैं, तो मीरपुर खास से जैसे ये आया, उधर से जितनी अप्लीकेशन आई है, कौन डिज़र्विंग है वहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं, हमारी बाड़ी होती है जो उसको करती है। सांगढ़ से भी आए हैं, उमरकोट से भी आए हैं, जैसे पहले आपने जोड़े को लिया वो टनु मामन खान से था, उससे पहले लिया वो टनु अलायार से था, तो इस तरीके से मुख्तलिफ जगह से जोड़े जुड़ा हुआ। दिलजीत जी हाँ। कितनी उम्र है? 22। 22 जी हाँ। अच्छा, कितना पढ़े हो? पढ़ा नहीं हूँ सर। पढ़ा नहीं हो? अच्छा अच्छा, क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। कहाँ? इधर डिग्री शहर में। लव मैरिज है या वालदैन ने शादी कर रहे हैं? जी हम अपनी खुशी से शादी कर रहे हैं। अपनी खुशी से कर रहे हैं जी? पसंद किया एक दूसरे को? हाँ। कहाँ? कहाँ, मेले में पसंद किया बस। अच्छा, मेले में पसंद किया, फिर इसके पीछे लग गए? हाँ, उसके पीछे नहीं लगे, फिर हो गया रिश्ता। कैसे रिश्ता हुआ? रिश्ता भेजा वहाँ? हाँ, रिश्ता भेजा उन्होंने, आकर दी फिर दे। लड़की से भी पूछा? हाँ। लड़की ने पसंद कर लिया था तुम्हें? हाँ, लड़की ने पसंद कर दिया था। आपको क्या चीज अच्छी लगी? मुझे बस इसकी मुस्कान है ना, वही अच्छी लगी। ओ, जरा दिखाइए। तो बहुत छोटी है, आपकी कितनी एज है? 20 साल। 20 साल, अच्छा। तो आपकी मुस्कान देखी इन्होंने, आपने क्या देखा? मैंने ऐसे ही पसंद कर लिया। ऐसे ही पसंद कर लिया। आपका क्या नाम है? मेरा एमी। एमी? हाँ। कितना पढ़ी है? पढ़ी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। लेकिन उर्दू तो बड़ी अच्छी है आपकी। बस ऐसे ही सीख ली।
अच्छा, फिल्में देखती हैं? जी हाँ। अच्छा, कोई गाना इनको देख के आया हो ख्याल? नहीं। कोई सुनाया हो फोन पे? नहीं। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे बस चावल ही पसंद है बस। क्या पकाती हैं आप? हम चावल पकाते हैं, खाना पकाते हैं और चाशनी बिरयानी सब पकाते हैं। तो अब इसको क्या पका के खिलाएंगे? जो ये कहेगा। अच्छा, और हनीमून पे ये कहाँ लेके जाएगा आपको? जहाँ भी ले जाए। आप कहाँ लेके जाएंगे? वैसे दिल तो कह रहा है इंडिया घुमाने लेके जाऊंगा। दिल तो ये कह रहा है जी, इंडिया घुमाने लेके जाऊंगा, ताजमहल दिखाऊंगा, मोहब्बत का जो महल है वो दिखाऊंगा। जी हाँ। है जी हाँ। और आप क्या देंगी इनको? मैं ऐसे क्या दे सकती हूँ, अपना प्यार ही दे सकती हूँ। तो प्यार देंगी आप अपना? जी हाँ। सोहेल साहब, ये सांगड़ से जुड़ा है, सांगड़ वाली साइड पे, सांगड़ और मीरपुर खास में कुछ पंजाबी भी वहाँ रहते हैं ना, तो उर्दू फिर भी वहाँ पे थोड़ी बहुत चलती है, मगर जो थरपारकर और वहाँ पे जो है, जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी पंजाबी रहते हैं तो वहाँ पे कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि ये जो हारी होती है ना, ये हमारे कौम जो है, ये जितने भी हैं वो हारपे का काम करते हैं, और हारपे का जो काम मित्र एग्रीकल्चर का जो काम करते हैं, वो जो ज़मीनें हैं वहाँ पे, या किसी सिंधी लैंड लाड की या चौधरी की। क्या नाम है आपका? प्रतीश। प्रतीश, कितने साल उम्र है? मेरी 20 साल। 20 साल, अच्छा। बीवी पहले देखी हुई है? जी। मिलते रहते हो? जी है? लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज करता है, छुप छुप के मिलता रहा है, है? क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, कहाँ मुलाकात हुई थी पहली? मंदिर में। है? मंदिर में जी। अच्छा, क्या चीज पसंद आई इनकी? बस पसंद आ गए, पसंद आ गए। आपको क्या पसंद आई इनकी बात? ये लोग ने अपने मेरे साथ जो लाइफ पार्टनर बन ली है, तो कह रहे बहुत अच्छा लगेगा ये वो। कौन सा गाना सुनाते हैं इनको? गाना मुझे आज तक नहीं आता। तो इनको कोई शेर सुना दें, इतनी सुंदर हैं। बस शेर नहीं आता बस। चलो शेर नहीं, गाना सुना दो इनको देख। बता दो। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्या चीज अच्छी? नाक अच्छा लगता है, होंठ अच्छे लगते हैं, क्या क्या अच्छा लगता है? आंखें अच्छी लगती हैं। पूजा जी, आपको क्या अच्छा लगता है? आदत है? आदत। अच्छा, आपको इनकी आदतों का भी पता है, क्या क्या आते हैं इनकी? इज्जत से बात कर। इज्जत से बात कर जी। अच्छा, और कभी बदतमीजी नहीं की? कभी बदतमीजी नहीं की। और ये करते क्या है? ड्राइविंग करते हैं। आप अलग घर में रहेंगी? शर्त मनवा ली के नहीं अभी? नहीं, ये नहीं कहा। माँ बाप के साथ रहोगे? ओहो, तो सास तो ठीक करेगी आपको, करेगी ना? नहीं, अच्छी है, मिली हैं आप सास से। तो क्या ख्वाहिश की है, हनीमून कहाँ मनाना है? जहाँ पे ये चाहेंगे। जहाँ पे ये कहेंगे? आप कहाँ कहेंगे भाई मनी हनीमून? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हनीमून, वहाँ किस जगह? भाई इस्लामाबाद जाएंगे, पाकिस्तान टूर पूरा मारूंगा। पूरा पाकिस्तान टूर कराएंगे। खाने में आपको क्या पसंद है और पूजा जी को क्या पसंद है? पूजा जी को ज़्यादा चिकन पसंद है। और आपको? मुझे भी चिकन ही पसंद है। आप दोनों को चिकन ही पसंद है। ये जो रिश्ते हैं ना सर, ये मंदिरों के अंदर एक दूसरे को सिलेक्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा खानदान है या कोई समझता है कि एक दूसरे को लड़की लड़के को मिलना चाहिए, तो वो मंदिर ही एक बेस्ट प्लेस होती है जहाँ पे लड़की लड़के जाते हैं और वहाँ पे मुलाकात होती है और एक दूसरे का रिश्ता तय होता है। और फिर कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के बाद मिलने के बाद फिर कंटिन्यू दोबारा उस इशू के ऊपर नहीं आती है, कुछ लोग हैं जो दोबारा जो मिलते रहते हैं। तो आप कहाँ मिलते थे? हम लोग पहली दफ़ा ही मंदिर में मिला था। एक दफ़ा मंदिर में मिले, फिर बाद में फिर शादी ब्याह में मिलते रहे। शादी ब्याह में मिलते रहे, बातचीत करते रहे। फोन पे भी बातचीत करते थे जी। हैं जी। तस्वीरें भी एक दूसरे को? नहीं नहीं नहीं, तस्वीरें नहीं भेजी, वो छोटे मोबाइल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जानू। जानू जी हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 21 साल है। 21 साल, क्या करते हैं? मैं शहर का काम करता हूँ, थोड़ा सा कारोबार है, तकरीबन 200-300 रुपए मजदूरी है मेरी। अच्छा, क्या काम करते हैं? सिर तगारी की मजदूरी। अच्छा, मजदूर है। जी जी हाँ। तो शादी कैसे हो रही है आपकी? शादी हो रही है तो पहले से मंगनी हुई थी सर हमारी।
कितना अर्सा पहले मंगनी हुई? तकरीबन दो साल तक। दो साल पहले मंगनी हुई? जी जी। तो आपने इनको एक दूसरे को पसंद किया था? जी, एक दूसरे को हम देखते भी नहीं है, हमारा रवाज है। अच्छा जी। आप सिर्फ मेरे फादर और लड़की को देखते हैं, लड़की के फादर मेरे को देखते हैं, बिल्कुल भी सही। तो आज पहली दफ़ा देखा? जी हाँ, आज पहली दफ़ा एक सीट पर बैठे हैं। अच्छा, देखा हुआ था पहले भी? जी, अभी तक मुंह भी नहीं देखा लड़की। अभी मुंह देख लेना, देख सकते हैं कि नहीं? बाद में देखने। अच्छा, बाद में देखना होता है। आपका क्या नाम है? लीला। लीला, आपकी कितनी उम्र है? 19 साल। तो आपको क्या क्या पकाना आता है बताइए जरा। भाजी पकाना है। मानी पचम। मानी भी पका लेती हैं? अच्छा, रोटी यानी? अच्छा, और चावल अपने खावंद को क्या पहली दफा पका के खिलाएंगी? मानी। मानी रोटी खिलाएंगी? अच्छा, और आप इनको हनीमून पे कहाँ लेके जाओगे? सर, हमारा पहला रवाज ये है तो मंदिर पर जाएंगे, टंडो अलायर के मंदिर पर जाएंगे, रामा पीर के मंदिर पर। अच्छा। पहले वहाँ जाएंगे, फिर छोटे मोटे जो हमारा रस्म है, जो हमारे पीर है, जो भी देवता है, उसकी पूजा करेंगे, बस। बस कहीं बाहर नहीं जाएंगे? कहीं बाहर घूमने के हम नहीं जाएंगे। तो किधर रखेंगे, अपनी वालदा के पास ही, अपने घर में, या अलग घर लेंगे? मैं अपने फादर के साथ रहूँगा। अच्छा, तो ये सास के साथ ना रहना चाहे तो बताओ, सास के साथ रहोगी अलग घर लोगी? सासूगढ़ी। सासूगढ़ी, अच्छा। क्यों, तो सासू से लड़ाई होगी फिर? नहीं। क्यों नहीं होगी? नहीं। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? बस तो कौन ही था कि रोज़ करा है? कौन ही था? क्या ये बोलती है, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी मैं उसकी इज्जत करूंगी और मैं उसके रोटी पका के खिलाऊंगी, मैं उसकी बहुत खूबसूरत उसकी इज्जत करूंगी। अच्छा, तो आप अपने बच्चे जो हैं उनको पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? सर, कोशिश तो है बच्चे पढ़ाने के, बहरहाल के जो हमारी जो साइड है वो बिल्कुल गरीब है, सांगर ज़िला बिल्कुल गरीब है, और मेन बात ये है तो रास्ता नहीं है, स्कूल जो होती है ना वो बिल्कुल बहुत दूर है, स्कूल है, बच्चे जा नहीं सकते। हम भी जाते हैं तो तकरीबन स्कूल पहुँचते हैं तो 10 बज जाते हैं। जी हाँ। नहीं, लेकिन बच्चे तो पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल पढ़ाएंगे सर। बहुत सारे बच्चे पैदा करोगे कि थोड़े? सर, तकरीबन 4 बच्चे भी। 4 बच्चे? चार की क्यों तादाद पहले से कायम रखा है? सर, जो ज़्यादा बच्चे होंगे उसकी हम परवरिश कर सकें ना ना कर सकें। 4 कर लोगे? हाँ, वो सही है, तो उसको खाना भी ठीक से खिला सकते हैं, हम इतनी रोज़ी कमाते हैं वो उस बच्चों की पूरी होती है। जैसे जो इस्लाम कोड मिट्टी से आता है तो वो फॉलोअर होता है संत नैनू राम दरगाह का, और कुछ लोग रामा पीर के होते हैं, और कुछ लोग जो है वो इवन भिटशाह के भी होते हैं, कुछ लोग लाल शहबाज कलंदर के भी होते हैं, हिंदू भी, और वो जहाँ जहाँ वो जाते हैं इस तरीके से फॉलोअर, और जो भी यहाँ पे शादी करके जाते हैं वो शादी करके डायरेक्ट वो जाते हैं वहाँ पे, पहले मंदिर हाजिरी भरते हैं, मंदिर हाजिरी भर के उसके बाद अपने घर जाते हैं। शादी से पहले पूजा पाठ भी की जाती है। पीछे होगा, तीन फेरों में, चौथे फेरे में दूल्हा आगे।
جناب فیصل ایدی صاحب، عبدالستار ایدی صاحب کے بعد آپ ایدی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے چلا رہے ہیں، اور بڑے سالوں سے آپ ہندو کونسل کی ان شادیوں میں، اجتماعی شادیوں میں آ رہے ہیں، تو آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں، غریب کہیں کا بھی ہو وہ غریب ہی ہوتا ہے نا، ہمیں ہر طرف ان کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو، اس کے ساتھ وہی استحصال ہوتا ہے جو ایک مسلم غریب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک عیسائی غریب کے ساتھ ہوتا ہے، غریب ہمیشہ ایک ہی کمیونٹی ہے۔ ایدی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ دنیا میں دو قومیں ہیں، ایک امیر اور ایک غریب، تو غریب ساری ایک ہی قوم میں شمار ہوتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے غریب کے کسی بھی فنکشن کے اندر، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہم جب اس میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم انہی کا حصہ ہیں۔ اب ایدی فاؤنڈیشن کے آگے کیا ٹارگٹس ہیں، کیا اہداف ہیں؟ ہم ایدی فاؤنڈیشن کے جتنے بھی مقاصد تھے ان سب کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایدی صاحب نے جو اس ادارے کے بنانے کا جو اہم مقاصد تھے ہم ان کے اوپر بالکل چل رہے ہیں، آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ایدی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے بلڈنگ بنا دی ہے فیصل، اب اس کی جو ہے وہ آرائش اور تزئین اور اس کی فنیشنگ آپ کو کرنی ہے، تو میں ایدی صاحب کو اکثر کہتا تھا ایدی صاحب صرف آرائش اور تزئین نہیں کریں گے، ہم اس بلڈنگ کو اور اوپر لے جائیں گے۔ اور کیا ایدی صاحب کے جانے کے بعد آپ کا کام بڑا ہے، کم ہوا ہے، یا اسی جگہ کھڑا ہے؟ کام بڑا ہے، آبادی بڑھتی جاتی ہے، کام بڑھتا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو آبادی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ 11 سال سے ایدی صاحب حیاتی تھے، تب وہ خود آتے تھے، اور اس کے بعد ایک یا دو مرتبہ ہماری بہن آئی، اس کے بعد فیصل صاحب جو ہے وہ کنٹینیو اس پروگرام میں آتے رہتے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے بیت المال، بیت المال کی کیونکہ زکوٰۃ ہمارے پاس ہے نہیں، بیت المال کی بھی یہ شروع سے لے کے آج تک ہمیں جو ہے وہ سپورٹ آتی رہتی ہے۔ آج یہ ڈائریکٹر ڈاکٹر عدنان جو ہے یہ بھی بیت المال کی طرف سے جو ہے اس پروگرام میں، بیت المال پاکستان جی، بیت المال بھی اس میں ہمیشہ کانٹریبیوٹ کرتی ہے۔ کس طرح سے آپ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جو ہے اب تک کتنی دفعہ آپ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ جب سے ہندو کونسل کے زیر اہتمام یہ کمبائن میرجز ہو رہی ہیں، پاکستان بیت المال پورا سپورٹ کر رہا ہے ان کو، اور تمام کپل جو ہیں میریجز کے ان کو چیکس دیے جاتے ہیں، اور اس بار بھی ایم ڈی پاکستان بیت المال اون عباس کی خصوصی ہدایت پر ہم یہاں پر شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، بیت المال پوری طرح سے شرکت کر رہا ہے، اور ان تمام شادی کے جوڑوں میں 25,000 کے چیک تقسیم کیے جائیں۔ فیصل ایدی نے ایدی فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر جوڑے میں 5,000 روپے نقد تقسیم کیے۔ ہر نئے جوڑے کو سونے کا سیٹ تحفے میں دیا گیا۔